की गोपियां आई है। बोले क्यों? ठाकुर जी उन्हें ही बुला रहे, ठाकुर जी उनको ही बुला रहे थे इसलिए वो आ पाई। उसी तरह आज मानो ये भागवत कथा रूपी कन्या तो बंसुरी बजाई, लेकिन वो बंसुरी की आवाज सबकी कान में गई नहीं। जिन जिन गोपियों को कान में गया ना वही आई। समझे आप लोगों को कान में ठाकुर जी ने बंसुरी बजा रहे इसलिए आपको कान में पड़ी है, इसलिए आप लोगों ने भागवत कथा में आ पाए हो। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो श्रीमद भागवत कथा है कितने दुर्लभ है, और कथा सुनने के लिए कौन कौन आते हैं। बोले स्वर्गीय सत्य जगयासे, बोले वैकुंठे नास्ते अपरस, अतः पिबतु सद्भाग्य। कहते जो सौभाग्य आज हमें मिला हुआ है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको भाग्य में भी कथा सुनने को सौभाग्य नहीं मिलता है। हम लोग आगे जाकर के सुनेंगे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए, खाली आदमी नहीं आए, वो अमृत कलश को लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है, ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए हम कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरी की पूरी अमृत कलश ले लो, आप परीक्षित को पिला कर ही अमृत को प्राप्त करेगा। लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा आप हमें सुना, लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है। कथा देवा जहा, श्री सुखदेव गोस्वामी देवता को वहां से भगा दिए। बोले को कथा को मणिर महान, बोले तुम लोग बड़े स्वार्थी मतलब ही हो, कहां कथाएं हैं और कहां ये जब स्वर्ग का अमृत है। वो उदाहरण देते हैं ये अमृत कैसे है, बोले जैसे एक कांच की टुकड़ा है। बोले कथा कैसे है, बोले ये मणि है। कहां मणि को साथ में कथा को बराबर करने जा रहे हो? आज जो ये भागवत कथा हम सुन रहे हैं, ये भागवत कथा है क्या चीज? ये जगत में भागवत आया क्यों? बोले कृष्ण स्वधाम गति धर्म ज्ञान सह कलौ नष्टा दिशा में सब पुराण अर्कनादित। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये मर्त जगत छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर उद्धव भी थे। उद्धव जी बोले प्रभु आप तो ये जगत छोड़ करके जा रहे हो, अभी मेरी क्या होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, अभी मैं किसको आश्रय लेकर के रहूं? कृष्ण खुद कहते हैं, बोले हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूं, लेकिन दूसरे स्वरूप में जगत में विद्यमान भी रहूंगा। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद भागवत कथा है, ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ रूप में ही जगत में मैं विद्यमान रहूंगा। जो व्यक्ति इसी कलयुग में ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण करेगी, बोले भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो कथा सुन रहे हो वो साक्षात श्री ठाकुर जी को साथ में हम दर्शन कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसलिए ये भागवत में कहती है 12 खंड है, कहती है 12 खंड नहीं, कहती है भगवान की 12 अंग है। बोले पादो जदियो प्रथम द्वितीय, बोले भागवत का जो प्रथम द्वितीय स्कंध ये ठाकुर जी के कृष्ण के 2 चरण है, जो तृतीय जो चतुर्थ स्कंध ठाकुर के 2 गुरु हैं, पंचम स्कंध बोले भगवान का बख्या स्थल है, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की 2 भुजाएं हैं, अष्टम स्कंध ये इनकी बख्या स्थल है, नवम स्कंध भगवान की कंठ है,
दशम स्कंद भगवान की मुखार बिंद और एकादश स्कंद उनकी ललाट और द्वादश स्कंद भगवान की सन। इसलिए कि ये भागवत नहीं बोले तेन अयक बांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवान अपना बोले गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय कल्याण करने के लिए ये शब्द ब्रह्म रूप में बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी जगत में प्रकट हुए। एक बार जयकार करो बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् की भाई जय जय हे बोल रहे हो जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् की। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम श्रोतावतार अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवतम स्वरूप। यदि इस श्लोक में बताया कि जो भागवत है क्या चीज बोले तमादि देवम करुणा निदानम। जैसे भगवान कृष्ण ये भगवान कृष्ण कौन है बोले समस्त कारणों का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है। उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कहते समस्त शास्त्र का जो शिरोमणि समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते तद् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्रस्यात् रची क्वचित्। अगर जीवन में एक बार ये भागवत रस को कोई पान कर ले उसको और किसी रस में उसकी टेस्ट नहीं रह जाती है। इसलिए भागवत ग्रंथ समस्त वेद पुराण इतिहास का जो सार सार है यदि ये श्रीमद् भागवत है। जैसे भगवान कृष्ण समस्त कर्मों का कारण है यदि श्रीमद् भागवत भी समस्त शास्त्र का मूल है। अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए बोले केवल ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। भागवत कथा श्रवण करते करते संसार से पार हो जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। कोई दान पुण्य ध्यान कुछ भी करने का जरूरत नहीं। केवल यहाँ पर बैठो अरे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। ये कथा सुनते सुनते जब तक तुम्हारी ये अनुभूति नहीं हो गया संसार से मैं पार हो गया हूं तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये स्वर्ग लोक में भी कथा नहीं। अगर देवता को कभी कथा सुनना हो तो वो स्वर्ग लोक छोड़कर कहां पर आते हैं
इसी मध्य जगत में आते हैं। इसका तात्पर्य है, ये भागवत कथा जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस देवताओं से भी ज्यादा हम सौभाग्यशाली है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, बोले स्वर्ग सत्य च कैलासे, बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा सत्य लोक में भी नहीं, जहां पर पितामह ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ये ब्रह्म लोक में भी कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भावना भी आए, कथा है तो भेदे भावना भी आए, कथा है तो भेदे भावना भी आए, कथा है तो भेदे भावना भी आए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय आवाज आ रही है पीछे तक जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि भागवत कथा ये ब्रह्म लोक में भी कथा नहीं। अगर ब्रह्मा ब्रह्मा जी को कथा सुनना हो, वो ब्रह्म लोक को परित्याग करके मर्त्य जगत में कथा सुनने आते। कहते ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, बोले कैलाश नास्ते अमरस। अगर कभी शंकर और पार्वती को कथा सुनना हो ना, वो भी कैलाश छोड़ करके इसी मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठे नास्ते अमरस। आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, कहते भैया वैकुंठ में भी ठाकुर जी की राधा कृष्ण की, वहां तो लक्ष्मी नारायण की कथा हो सकती है, लेकिन श्री राधा कृष्ण की कथा वहां पर भी नहीं। अगर गरुड़ जी की कथा सुनना हो ना, ये गरुड़ भी कहां वैकुंठ छोड़ कर किसी मर्त्य जगत में आते हैं। देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान, देवता को कथा सुनने के लिए स्वर्ग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए सत्य लोग छोड़ना पड़ा, शंकर जी को कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ना पड़ता है, और गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ता है। लेकिन संगरूर के भक्तों को कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा बोलो? कोई घर बार छोड़े हो? ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते आपकी घर को सामने आ गई। हम घर में बैठी बैठी करके कथा रूपी अमृत में स्नान कर लिए। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। देखो दूसरी शिक्षा देते हैं, जब श्री शंकर जी कथा सुनने के लिए आए ना, वो अकेले नहीं आए, पार्वती को लेकर के आते। जब ब्रह्मा की कथा सुनने इच्छा हो, वो अकेले नहीं आए, ब्रह्मा जी को लेकर के आए। जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए, वो अकेले नहीं, किसको लेकर? देवियों को लेकर के आए,
शिक्षा देते हैं, अकेले कथा सुनने मत आओ। अगर देवियां आए ना तुम्हारी देवताओं को भी लेकर के आओ, देवता लोग भाई लोग आए तो तुम्हारी देवियों को लेकर के आओ। बोले ऐसे क्यों? देखो बड़ी रहस्य की बात है, जैसे आप लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे, भागवत में इतने ज्ञान की बात है, इतने शिक्षा की बात है, आप स्वयं देखोगे 7 दिन को बाद में आप जिस रूप में आए ना, आपका ये स्वरूप रहेगा नहीं, आप दूसरे स्वरूप से यहाँ जाओगे। मतलब हृदय में भगवान की भक्ति को प्रेम को भर कर के लेकर के जाओगे। यहाँ से जब जाओगे ना, गले में कंठी होगी, तिलक होगी, हाथ में भगवान की माला जाओ, भगवान के भजन करते करते जाओगे। बोले क्यों? ये कथा में इतने ज्ञान है, इतने क्या हो रही है, वोल्टेज कम ज्यादा हो गया, कम कर लो, यहाँ एक बैटरी रख लो। हरे कृष्ण, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। आवाज आ रही ना? देखो इतना छोटा माइक काम कर रहा है, अरे इतना बड़ा माइक कोई काम में नहीं आ रही। बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की हरि बोल, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोले चालू नहीं है, बोलो बरसाने वारी की जय, जय बोलो बरसाने वारी की जय, जय जय बोलो बरसाने वारी की जय, जय गिरिधारी की जय, बनवारी की जय, गिरिधारी की जय, बनवारी की जय, बोलो कुंज बिहारी की जय, जय जय बोलो कुंज बिहारी की जय, जय जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम I'm not afraid.
यहाँ प्रश्न होता है हम दो दो क्यों आए, पति पत्नी क्यों आए, अकेले क्यों नहीं आए। कारण है जब साथ ही आप कथा सुनोगे ना, अगर माताएं आई, अगर तुम्हारी प्रभु लोग नहीं आए, साथ ही बाद में प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, हरिनाम करना शुरू कर दो, पति लोग क्या बोलेंगे, बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई तुम। पहले बोलते थे सिनेमा देखने चलो, अभी कहते वृंदावन चलो, सब समय मिले सत्संग में चलो। अगर केवल भाई लोग आए कथा सुनने के लिए, माताएं नहीं आई, आपको ऊपर भी रंग चढ़ेगी। क्यों? आपको पता चलेगा जीवन कितना दुर्लभ है। ये मानव शरीर ठाकुर सहज ने देते नहीं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिला जीवन है, पर ये समय को नष्ट नहीं कर सकते, भजन करोगे। फिर माताएं अगर नहीं आई नहीं परेशानी रहेगी है, बोले भाई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ ना, दो पहिया में गाड़ी चलती है ना, फिर तो दोनों बोले चलो वृंदावन में चलते हैं, चलो सत्संग में चलते हैं, चलो भगवान के धाम में चलते हैं, फिर दोनों गाड़ी बढ़िया से चलेगी। इसलिए ब्रह्मा अकेले नहीं आए, शंकर भी अकेले नहीं आए, देवता कोई भी अकेले कथा सुनने नहीं आते, सबके सब दो दो होकर के आते, ठीक है ना। कल सबके सब दो दो होकर के आते। ब्रजमद भागवत कथा मृता मुखी जय जय रमण श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन पर मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए के,
चल रे बिना
बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रश्न होता है, जैसे हम लोग 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करके, हम प्रश्न होता है ये भागवत कथा सुनने से क्या लाभ हम मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3-3, 4-4 घंटा हम बैठेंगे, भैया हमें तो कुछ लाभ भी तो मिलनी चाहिए। लेकिन श्री राधा रानी कहती हैं, ये भागवत कथा से तुम्हें जितना लाभ मिलेगा, जगत में ऐसे कोई भी बिजनेस नहीं जो उतना लाभ दे सकता है। इसलिए मीरा कहती है, दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी नहीं राम रतन पायो। ये भक्ति बढ़ते रहेगी, भक्ति कभी घटेगी नहीं, फिर क्या मिलेगा कथा सुनने से। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती हैं, जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, अभी गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर कहाँ है, बांके बिहारी कहाँ है, जब मिले नहीं, बोले भगवान को उनका भजन सबसे बड़ा प्यारा है, चलो हम जमुना किनारा में बैठ करके उनका भजन गाएंगे। वो कीर्तन करते करते गोपी गीत गाती गाते उसमें एक श्लोक आता है, बोले तब कथा अमृता बनो लाभ है। जोर से बोलो, आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, जो बोल देगा ना मैं कल इसको इनाम दूंगा। इसलिए ऐसे ध्यान से सुनो। देखो जो टीचर है ना, स्टूडेंट को टीचर बनाता है। हम चाहते हैं आप लोगों को इतने 7 दिन के अंदर में ज्ञान हो, जैसे हमारे फारस और मोहित प्रभु है ना, देखो इन लोगों ने अभी टीचर बनी गई वृंदावन में जाकर और जगत में प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी जगत में, भगवान कृष्ण गीता में कहते बोले अर्जुन, जगत में सबसे मेरे प्यारे कौन है, बोले जगत में सबसे प्यारे हुए हैं मेरे, ये जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं, हम भगवान के अमृत से पुत्र हैं, अमृत के पुत्र। लेकिन अभी वो अमृत को छोड़ करके अभी बीच में अभी अमृत ढूंढ रहे संसार में, इसलिए उनको संसार में सुख नहीं मिलता है, आनंद ठाकुर जी के चरण में ही है। इसलिए कृष्ण के गीता में कहते हैं, ये सब मेरे भूले भटकते हुए जी